Welcome to our channel, and in this video we shall discuss Prelims focus news of 2nd of March. So let's begin our discussion. The very first news is ACOMFEST. National Handicapped Finance Development Corporation, yani ki NHFDC, is organizing an exhibition cum fair jiska naam hai ACOMFEST, and this is organized in New Delhi, and ye 2 March se organize kiya jayega. राइट सो ACOMFEST क्या है और NHFDC के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज ACOMFEST. ACOMFEST इज एन एफर्ट फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड नॉलेज अमंग दी दिव्यांगजन कम्युनिटी. दिव्यांगजन कम्युनिटी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप और नॉलेज जैसे आस्पेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये फेस्ट लगाया गया, जहाँ पे ACOM को अगर हम इसको इस एब्रीवेशन को खोलें तो ACOM स्टैंड्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज, अवेयरनेस एंड मार्केटिंग. और इसके बाद अगर हम बात करें, जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो भी फिजिकली हैंडीकैप पीपल हैं, उनका जो एंटरप्रेन्योर पोटेंशियल है उसके रिगार्डिंग जो सोसाइटी में अवेयरनेस है उसे फैलाने का काम भी ये फेस्ट करेगा. लेट से कोई भी फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, उन्होंने एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल दिखाते हुए कुछ काम किया, तो ऐसे कामों को यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा और जो जनरल पब्लिक है उनके अंदर अवेयरनेस जनरेट की जाएगी कि इनका पोटेंशियल देखिए आप क्या है. और इसीलिए इन दिस फर्स्ट ACOMFEST दिव्यांग एंटरप्रेन्योर एंड आर्टिजन्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हैव बीन इनवाइटेड. इसीलिए इनको इनवाइट किया गया है. एंड द फेस्ट विल सी वाइब्रेंट प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, एम्ब्रॉयडरी वर्क एंड ड्राई फ्रूट्स. राइट, सो दिव्यांगजन कम्युनिटी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का एंटरप्रेन्योर पोटेंशियल क्या है उसे जनरल पब्लिक तक पहुंचाना और इस कम्युनिटी के अंदर जो बाकी के लोग हैं उनके अंदर ऐसी भावनाओं को प्रेरित करने के लिए इस फेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया. एंड इसका जो ऑर्गेनाइजेशन किया है दैट इज़ बाय नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अंदर काम करती है, जो कि है किसके अंदर, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. इट इज़ रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है PWDs यानी कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको, ताकि उनका इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन किया जा सके, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू स्किल्स डेवलप की जा सके ताकि वो खुद को सस्टेन कर सकें और ग्रो कर सकें. सो NHFDC इज एन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर काम करता है और प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस. राइट, सो दीज थिंग्स शुड बी रिमेंबर्ड. द नेक्स्ट न्यूज इज, और अगर हम इससे पहले देखें कुछ और इनिशिएटिव NHFDC के, जैसे NHFDC स्वावलंबन केंद्र, ये एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर माइक्रो स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया गया थ्रू आउट द कंट्री फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़. तो ये अपने मैंडेट को पूरा करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो भी NHFDC काम करती है. सेव कैब्स इन दिल्ली एंड इंदौर. NHFDC हैज़ मेड अरेंजमेंट्स विद सखा कैब्स सोशल एंटरप्राइज विद द PWD ऑन कमर्शियल व्हीकल्स विल बी ड्रिवन बाय द वुमेन ड्राइवर्स टू प्रोवाइड सेफ टैक्सी ऑप्शंस फॉर द वुमेन, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन कम्यूटर्स. राइट, ये दूसरा इनिशिएटिव. एंड द थर्ड इज सेफ ड्रिंकिंग वाटर ई कार्ट्स. NHFDC हैज रिसेंटली अग्रीड टू फाइनेंस ई कार्ट्स ओन्ड बाय पर्सन विद डिसेबिलिटीज फिटेड विद RO वाटर डिस्पेंसिंग वेंडिंग मशीन्स. राइट, तो इनका डेवलपमेंट और इनको ग्रो करने के लिए, इनको इकोनॉमिकली रिहेबिलिटेट करने के लिए जो प्रोग्राम्स हैं वो इनिशिएटिव्स कौन चलाता है, NHFDC. सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू गिर नेशनल पार्क. रिसेंटली ये भी न्यूज़ में था. तो गिर नेशनल पार्क के बारे में हम जानते हैं. दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. एंड हम सबको पता है गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लाइन, जो कि ओनली नेचुरल हैबिटेट है किनका, एशियाटिक लाइन्स का. और इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1965 एंड अ नेशनल पार्क इन 1975. द गिर फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट कॉम्पैक्ट ट्रैक ऑफ ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट इन द सेमी एरिड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. जो सेमी एरिड वेस्टर्न पार्ट है, हमें सबको पता है कि जब भी मानसून का अगर हम स्टेटस देखें तो मानसून से होने वाली रेनफॉल जैसे जैसे हम
ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते रहेंगे उनका अमाउंट कंपैरेटिवली क्या होता है, कम होता जाता है। तो वेस्टर्न पार्ट में जो पर्टिकुलरली गुजरात का ये रीजन है, यहाँ पे थोड़ी कम बारिश होती है, जिसके कारण जो फॉरेस्ट है यहाँ पे, दोज आर ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट। और ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट की कहानी ये होती है कि ये जब भी पानी कम होगा तो अपनी लीव्स को क्या कर देंगे, शेड कर देते हैं। और ये रीज़न कौन सा है, सेमी एरिड वेस्टर्न पार्ट है, कहाँ पे, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और गिर नेशनल पार्क ओनली हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है किनका, एशियाटिक लायंस का। कुछ और जानकारी अगर हम देखें तो गिर नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट फॉर्म्स अ यूनिक हैबिटेट फॉर मैनी मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट स्पीशीज अलॉन्ग विद अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा। गिर इज ऑफन लिंक्ड विद मालधारीज who have survived through the ages by having symbiotic relationship with the lion। ये जो मालधारी community है, एक religious pastoral community है जो कि गिर national park में रहती है, और ऐसा कहते हैं कि ये अपने symbiotic relations में रहते हैं किन के साथ, lions के साथ। तो यही tribes होते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, इसीलिए मालधारी कम्युनिटी इज वेरी फेमस। मालधारीज आर रिलीजियस पेस्टोरल कम्युनिटीज, जैसे हमने डिस्कस किया, कहाँ रहते हैं, गिर नेशनल पार्क में, और इनके सेटलमेंट्स को नेसिस कहा जाता है। इनके सेटलमेंट्स को कहाँ, क्या कहा जाता है, नेसिस कहा जाता है। तो ये ट्राइब भी हमें पता होनी चाहिए, मालधारी ट्राइब, राइट। सो अदर नेशनल पार्क अगर हम गुजरात में देखें तो ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंस द नेशनल पार्क एंड मरीन नेशनल पार्क, ये तीन नेशनल पार्क और हैं कहाँ पे, गुजरात में। सो अब एशियाटिक लायन के अगर हम स्टेटस देखें तो एशियाटिक लायन का हैबिटेट तो हमने देख ही लिया, एंड दे आर वल्नरेबल टू डिजीज, एनक्रोचमेंट, फॉरेस्ट फायर, नेचुरल कैलेमिटीज, कलेक्शन ऑफ फ्यूल वुड, जैसे कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करना, पोचिंग से, टूरिज्म से, और कुछ कुछ एक्सीडेंटल लायन की डेथ होती है जिसमें ह्यूमन कॉज भी शामिल है, राइट। 2018 में एक डिजीज हुआ, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, CDV, जो कि रिस्पॉन्सिबल था 25 से भी ज़्यादा लायंस की डेथ का, राइट। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो एक बात और हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जब भी कंजर्वेशन पर्पस किया जाएगा तब हमेशा एक चीज़ एंश्योर की जाती है कि एक ही जगह पे, लेट से अगर हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, कोई भी एक नेशनल पार्क है वहाँ पे लायंस का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यस इट इज़ अ वेरी गुड साइन। बट दो यहाँ पे एक चिंता का विषय ये रहता है कि सिर्फ उसी जगह पे लायन का जो भी पॉपुलेशन है वो कंसंट्रेटेड है। तो ये भी प्रयास किए जाने चाहिए कि इनके जो हैबिटेट्स हैं वो डाइवर्सिफाइड किए जा सके, ताकि वेरियस जगहों पे लायंस का जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पे मेंटेन हो। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर एक ही जगह पे लायन का पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया तो इन केस अगर कोई भी वायरस या कोई भी डिजीज़ का अटैक आता है तो पूरी की पूरी कम्युनिटी वहाँ से क्या हो जाएगी, परेशानी में आ जाएगी और उनका डेथ होने लगेगा। और अगर ऐसा ही हमारे पास डाइवर्सिफाइड अलग अलग जगहों पे लायंस का प्रेजेंस है तो ये एक बहुत बढ़िया साइन होता है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन का। तो इन सब चीज़ों को भी कंजर्वेशन मेजर में ध्यान में रखा जाता है, राइट। सो अगर इनका प्रोटेक्शन स्टेटस देखें तो IUCN रेड लिस्ट में दे आर एंडेंजर्ड, साइट्स में दे आर कंसिडर्ड इन दी अपेंडिक्स 1, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में वो भी शेड्यूल 1 में इनको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट बात करें फिशिंग कैट एंड ऑटर्स की, ये न्यूज़ में इसलिए आया, रिसेंटली चिल्का लेक में जो फिशिंग कैट हैं उनके काफ़ी सारे ब्रीडिंग पॉपुलेशन के आगे देखे गए। उसके साथ साथ स्मूथ कोटेड ऑटर एंड यूरेशियन ऑटर हैज ऑल्सो बीन रिकॉर्डेड इन दी लेक। तो इन दोनों के कारण ये दोनों के दोनों, फिशिंग कैट एंड ऑटर, सारे न्यूज़। सो जानते हैं ये क्या होते हैं। फिशिंग कैट की अगर बात करें, ये तो उनका साइंटिफिक नेम दिया हो, उसके साथ साथ अगर इनके हैबिटेट देखें, इंडिया में फिशिंग कैट्स आर मेनली फाउंड इन दी मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, वो भी कौन से, सुंदरबन के, उसके साथ साथ हिमालयस के फुटहिल्स पे, अलोंग दी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वैलीज एंड इन दी वेस्टर्न घाट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन, राइट, फुटहिल्स ऑफ हिमालयस, गंगा ब्रह्मपुत्र की रिवर वैली एंड वेस्टर्न घाट में इनका प्रेजेंस है। और प्रोटेक्शन स्टेटस में दे आर वल्नरेबल, एंड साइट्स में वो अपेंडिक्स 2 में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इन्हें कंसीडर किया जाता है। बस इतना ही हमें इंफॉर्मेशन याद रखना है रिगार्डिंग दी फिशिंग कैट। सो दिस इज दी फोटोग्राफ ऑफ फिशिंग कैट, राइट। एंड नेक्स्ट इज स्मूथ कोटेड ऑटर, इनके बारे में इनका हैबिटेट देखें तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया फ्रॉम द हिमालयस टू द साउथ, पूरे हिंदुस्तान में इनका प्रेजेंस देखने को मिलता है। अगर इतना प्रेजेंस है इसीलिए इनका जो स्टेटस है दैट इज़ वल्नरेबल,
साइट्स में अपेंडिक्स 2 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी शेड्यूल 2 महीने रखा गया है। ये है स्मूथ कोटेड ऑटर, राइट। सो यूरेशियन ऑटर, अगर इनके बारे में बात करें, थ्रू आउट यूरोप एंड एशिया फ्रॉम आयरलैंड इन द वेस्ट एज फार एज ईस्टर्न रशिया एंड चाइना, दे आर ऑल्सो फाउंड इन नॉर्थ अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट। और अब इनके जो भी पॉपुलेशन है वो चिल्का लेक में हमें देखने को मिल रहे हैं। वैसे अगर इनका हैबिटेट देखें तो यूरोप एशिया में मोरक्को और अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, इसराइल, जॉर्डन, इराक एंड ईरान इन मिडल ईस्ट, ये इनका हैबिटेट देखने को मिलता है। देयर साइंटिफिक नेम इज लुट्रा लुट्रा एंड प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो दे आर नियर थ्रेटेंड साइट्स के अपेंडिक्स 1 में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में इन्हें शामिल किया गया है। सो दीज आर दी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सम एनिमल्स विच आर इन न्यूज एंड विच कैन बी हेल्पफुल फॉर दी फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स। सो दिस इज यूरेशियन ऑटर। नाउ रेडर एक्स, ये एक एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस है जिसे हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी पुणे ने क्या किया है, डिजाइन किया है और इसी ऑर्गेनाइजेशन में इसे बनाया गया। एंड एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस नोन एज रेडर एक्स वॉज अनवील्ड एट द नेशनल वर्कशॉप ऑन एक्सप्लोजन डिटेक्शन इन पुणे महाराष्ट्र। और ये जो वर्कशॉप थी ये कराई किसने थी, हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी पुणे ने। नाउ अब अगर हम इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि डिटेक्ट कर लेगा एक साथ 20 एक्सप्लोजिव को जो कि 2 मीटर के डिस्टेंस पे, विद इन अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2 मीटर्स। बल्क एक्सप्लोजिव इन कंसील्ड कंडीशन कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड बाई द डिवाइस। बल्क में अगर एक्सप्लोजिव है तो वो भी ये डिटेक्ट कर सकता है, मतलब बेसिकली बम को डिटेक्ट करने वाली एक डिवाइस है जिसमें अगर ज़्यादा एक्सप्लोजिव होगा तो भी कर लेगा और 20 एक्सप्लोजिव एक साथ होंगे तो वो भी डिटेक्ट कर लिए जाएंगे विद इन द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। सो नाउ द डाटा लाइब्रेरी कैन बी बिल्ट इन द सिस्टम टू एक्सपेंड इट्स कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट अ नंबर ऑफ एक्सप्लोजिव, राइट। और आगे की जो डाटा लाइब्रेरी है उसके तहत इनके जो नंबर ऑफ जितने डिवाइस को डिटेक्ट कर सकते हैं उनको भी इंक्रीज किया जा सकता है। और इसके वेरियस एप्लीकेशंस हैं इंक्लूडिंग इन नारकोटिक्स, फॉर लोकल पुलिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लोकल पुलिस, फॉर कस्टम्स एंड अदर डिटेक्शन एजेंसीज हु नीड टू डिटेक्ट वेरियस एलिमेंट्स विच मे बी एक्सप्लोजिव और नॉन एक्सप्लोजिव इन नेचर, राइट। सिर्फ बम ही नहीं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो एक्सप्लोजिव हैं या नहीं हैं, नारकोटिक्स में, लोकल पुलिस में, इन सब में इसका एप्लीकेशन देखा जा सकता है। और इसे डेवलप किया, जैसा हमने डिस्कस किया है, HEMRL पुणे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर ने, राइट। सो द नेक्स्ट स्कीम इज द्वार प्रदाय योजना, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जिसे डोर डिलीवरी सिस्टम बोला गया। और एक पायलट प्रोजेक्ट इंदौर में स्टार्ट किया मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, और इसमें यह बोला गया कि अगर कोई भी एप्लीकेंट इस एक ऑनलाइन सिस्टम के तहत अप्लाई करता है तो उसे 5 तरह के डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट एंड कॉपी ऑफ खसरा खतूनी, मतलब उसका लैंड ओनरशिप का डॉक्यूमेंट, अगर ये कोई भी इंसान एक साइट पे अप्लाई करता है ऑनलाइन इन डॉक्यूमेंट्स के लिए तो उनके घर पे 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, विच इज़ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। और एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए एक लोकल कोरियर एजेंसी को एंगेज किया जो कि क्या करेंगी, हर पब्लिक सर्विस सेंटर पे जाके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगी और डिलीवर कर देंगी डोर टू डोर। इसीलिए डोर डिलीवरी सिस्टम इसका नाम है द्वार प्रदाय योजना। एंड सेंट्रल इंडिया जो इसका पूरा सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि गवर्नमेंट का जो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म है उसे क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच।